नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी जो इस सीरीज से पहले दावे कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया 4-0 से यह सीरीज जीतेगी, फिर दावे करने लगे कि 200 पे भी इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, 200 तक नहीं बना पाएगी तीसरी चौथी पारी में, उनको भी फेल कर दिया और फिर कहने लगे ब्रिस्बेन ये तो ऑस्ट्रेलिया का गढ़ा है, 33 साल से नहीं हारी है, यहां तो ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से पटक देगी टीम इंडिया को। उल्टा खुद पर हार की तलवार लटकने लगी है। नाम है शेन वॉन। शेन वॉन गुस्सा है ऑस्ट्रेलिया टीम से, बयान दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ। वो शेन वॉन जो ऑस्ट्रेलिया टीम के कसीदे पढ़ते थे और कहते थे टीम इंडिया को बड़े आराम से 4-0 से हरा देगी, वो शेन वॉन जो कि ब्रिस्बेन टेस्ट पे उनके ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को लेकर बहुत आश्वस्त थे बड़े आराम से टीम इंडिया हार जाएगी, क्योंकि अब तो सिराज बुमराह भी नहीं है, शमी भी नहीं है, जडेजा भी नहीं है, अश्विन भी नहीं है, तो फिर बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया हरा देगी इंडिया को। लेकिन आज क्या हुआ, टीम इंडिया ने जो कैरेक्टर दिखाया है ना, शेन वॉन पलटने को मजबूर हो गए, अपने बयान से पलट गए, टीम इंडिया की तारीफ की। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इसमें मैं बता सकूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया को गरियाया है, अपनी ही टीम को गरियाया है शेन वॉन ने, और कहा है कि आपने इतने सारे मौके मिले आपने गवा दिए। क्या क्या वो मौके थे? मौका था पिछले टेस्ट मैच के दौरान सीरीज जीतने का, जब आखिरी दिन टीम इंडिया को बड़े आराम से ऑल आउट करना था, 2 विकेट टीम इंडिया के गिर चुके थे, आखिरी दिन सिर्फ 8 विकेट लेने थे, उसमें से भी जडेजा चोटिल थे, अश्विन चोटिल थे, विहारी चोटिल थे, ये 3 चोटिल थे, लेकिन बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाई, 5 विकेट ले पाई पूरे 124 ओवरों के दौरान, वहां पर ऑस्ट्रेलिया मैच हारी, उसको हार ही कहेंगे। फिर जब टीम इंडिया इस मैच में चौथे टेस्ट मैच में 186 पर 6 हो गई थी, टीम इंडिया का कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बचा था, बड़े बड़े धुरंधर जिनका नाम था वो आउट हो चुके थे, तब वहां पे 2 यंगस्टर्स ने, एक डेब्यू कर रहा था, एक दूसरा मैच खेल रहा था, नाम था सुंदर और शार्दुल, दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पोलती बंद कर दी, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी, ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत सकती थी अगर उन दोनों खिलाड़ियों को जल्दी आउट कर लेती टीम इंडिया के बाद में, उसके बाद कोई बल्लेबाज था नहीं, टीम इंडिया अगर ऑल आउट हो जाती 220-230 के आसपास तो ऑस्ट्रेलिया को लगभग 100-140 रन की लीड मिल जाती, फिर वो आराम से ये मैच जीत सकती थी, लेकिन वहां भी ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर उसकी दूसरी बल्लेबाजी आई, वहां पर भी जीतने का मौका था, जल्दी रन बना लेती, लेकिन देखा कि लगातार विकेट्स गिर रहे थे इसलिए बड़ी दिक्कत से 294 तक पहुंच पाए, वो जल्दी रन बना लेते तो मौका होता टीम इंडिया को आउट करने का, वो भी थोड़ा सा गवा दिया है। अब सिर्फ 90 ओवर बचे हैं आखिरी दिन के, तो ये वो लम्हे बताए शेन वॉन ने जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत सकती थी लेकिन मौके गवा दिए। आप क्या उनकी बात से सहमत हैं? सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।